पंजाबी पॉप स्टार सिद्धू मूसेवाला की हत्या सरेआम कर दी जाती है और उसके बाद से पूरे देश में कई तरह के सवाल पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठने लगे, क्योंकि ये कोई आम हत्याकांड या गैंग वॉर की वारदात नहीं थी। इस हत्या की साजिश में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अपराधियों से लेकर कनाडा में बैठे गैंगस्टर तक के नाम सामने आए। शायद महीनों तक प्लानिंग चली और देश के कई राज्यों के गैंगस्टर्स को मिलाकर टीम बनाई गई। प्लानिंग इतनी अचूक तैयार की गई थी कि मूसेवाला किसी भी कीमत पर बच न पाए। हफ्तों तक मूसेवाला के गांव की बदमाशों और मुखबिरों ने रेकी की थी। फिर आई 29 मई 2022 की तारीख, जब शाम के 4:30 बजे ऊंची तान में गाने वाले सिद्धू मूसेवाला की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही दिन में हुआ। सिद्धू मूसेवाला को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। मूसेवाला भी अपने धमकाने वालों को कहते थे कि मैं भी अपनी गन लोडेड रखता हूं। मूसेवाला की जान को इतना खतरा था कि उनके साथ सिक्योरिटी का लाव लश्कर चलता था। बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी थी, लेकिन जिस दिन मूसेवाला की हत्या हुई थी उस दिन वो बगैर सुरक्षा के थार गाड़ी में घर से निकले थे। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी हत्याकांड की कहानी बताते हैं। कहां से मामले की शुरुआत हुई, किससे मूसेवाला की दुश्मनी हुई, मूसेवाला को मारने के पीछे किस किस गैंग ने प्लान तैयार किया, मूसेवाला ने धमकियों के बदले गैंगस्टर्स को क्या जवाब दिए जिससे मामला और बिगड़ा, और आखिर में मूसेवाला को कैसे जान से मार दिया गया। तारीख थी 7 अगस्त 2021। मोहाली से एक शूटआउट की खबर आई। खबर डेवलप हुई तो पता चला कि अकाली दल के एक युवा नेता को घेर कर मार दिया गया है। युवा नेता का नाम था विक्की मिद्दुखेड़ा। विक्की मिद्दुखेड़ा एक उभरता हुआ गायक भी था। गायक के साथ साथ मिद्दुखेड़ा के राजनीतिक और गैंगस्टर्स के साथ लिंक भी थे। विक्की के ताल्लुक काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से थे। इन गैंग्स के लिए विक्की पैसों की उगाही किया करता था। काला जठेड़ी वही गैंगस्टर है जिसका जिक्र सुशील कुमार केस में भी आया था। विक्की की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने एक मैसेज जारी किया। मैसेज था कि हमारे साथी को मारा गया है, हम जल्द ही रिजल्ट देंगे। खैर, विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई को पता चला कि हत्या में एक शख्स शामिल है जिसका नाम है शगनप्रीत और वो सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर है। हत्या के बाद शगनप्रीत ऑस्ट्रेलिया फरार हो गया और इसमें उसकी मदद सिद्धू ने की है। इस थ्योरी के आधार पर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर सिद्धू मूसेवाला आए। इसके बाद से ही शायद सिद्धू को मारने की प्लानिंग शुरू हुई। लॉरेंस बिश्नोई ने तिहाड़ जेल से खबर भिजवाई कि बड़ा काम देना है, जल्द कॉन्टेक्ट करें। इसमें कनाडा में बैठे वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का भी नाम आया। इसके लिए सोनीपत और पंजाब से शार्प शूटर्स को इकट्ठा किया गया। मानसा जिले और मूसा गांव की रेकी हुई। फुल प्रूफ प्लान बना। मामले में ताजा अपडेट ये है कि पुलिस ने 8 शार्प शूटर्स की पहचान कर ली है। इनके नाम है सुभाष बोंदा, संतोष जाधव, सौरभ, प्रियव्रत फौजी, हरकमल सिंह, जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह। ये सभी शार्प शूटर्स राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के। एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुई है जिसमें मूसेवाला की हत्या से पहले उनकी थार गाड़ी कुछ लोगों ने रोकी थी। लोग मूसेवाला के साथ सेल्फी ले रहे थे और हाल चाल पूछ रहे थे। कहा जा रहा था कि इस भीड़ में एक मुखबिर भी था जो हत्यारों को रेकी की रिपोर्ट्स दिया करता था। वहीं पुलिस ने मूसा गांव से एक केकड़ा नाम के शख्स को भी पकड़ा है। इस पर भी रेकी करने और हत्यारों का साथ देने के आरोप हैं। खैर, हत्यारे महीनों से मूसेवाले के पीछे थे। लगातार रेकी हो रही थी, लगातार मौके की तलाश भी थी, लेकिन मूसेवाला कभी हाथ ना आते। तारीख आई 29 मई 2022। शाम को सिद्धू मूसेवाला अपनी मौसी से मिलने के लिए घर से निकलते हैं। मूसेवाला ने ना तो अपनी बुलेट प्रूफ कार ली है, ना तो अपनी गन पूरी तरह से लोड की और ना ही अपने साथ गनर लेकर गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धू ने भी हमलावरों पर गोलियां चलाईं, लेकिन वो दो ही गोलियां चला पाए थे और तीसरी गोली फंस गई। जो गन मूसेवाला के पास थी उसमें 15 गोलियों की मैगजीन लगती है, लेकिन उनके पास गोलियां नहीं थी। इतने सारे इत्तेफाक एक साथ हुए, ना तो बुलेट प्रूफ कार वो लेकर गए, ना सुरक्षा कर्मी लेकर गए, ना गोलियां, और एक दिन पहले ही पंजाब सरकार द्वारा सुरक्षा भी घटा दी गई। खैर, मूसेवाला अपने घर से कुछ ही दूर निकले थे कि उनके ऊपर हमला हो गया। हमलावरों ने बोलेरो गाड़ी थार के आगे लगाई और पीछे से एक कोरोला कार आई।
बोलेरो से उतरे बदमाशों ने पहले थार के टायरों में गोली मारी ताकि मूसेवाला भाग न सके, फिर ताबड़तोड़ गोलियां थार पर बरसा दी। बाद में मूसेवाला को छूकर देखा कि कहीं वो बचे तो नहीं है। पूरी तसल्ली करने के बाद बदमाश मौके से फरार हुए। मूसेवाला के पिता के भी कहीं कहीं बयान आए हैं। मूसेवाला के पिता का कहना है कि जब उन्होंने देखा कि सिद्धू ऐसे ही घर से निकल गए हैं तो वो दूसरी गाड़ी लेकर पीछे आने लगे और ये घटना 1 से 1.5 मिनट के अंदर खत्म हो गई। मूसेवाला के पिता जैसे ही मौके पर पहुंचे खेल खत्म हो चुका था। हत्या के घंटे भर बाद फेसबुक पर एक पोस्ट आता है। ये मैसेज था गोल्डी बराड़ का और हत्या की जिम्मेदारी ली गई। मैसेज में लिखा था कि हमने अपनी भाई की हत्या का बदला ले लिया है, अभी और लोगों को ऐसे ही मारा जाएगा। इस दौरान एक और गैंग का इस बीच जिक्र आया। ये गैंग है पंजाब का मशहूर देवेंद्र बम्बीहा गैंग। कहा जाता है कि मूसेवाला इस गैंग के करीबी थे और ये गैंग लॉरेंस बिश्नोई का सबसे कट्टर दुश्मन गैंग है। एक बड़ा कारण ये भी था कि मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई ने मार डाला। इधर दिल्ली की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ तेज हुई। लॉरेंस ने पहले तो आनाकानी की, बाद में कहा कि हाँ, उनके ही गैंग का ये काम है। लॉरेंस को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। कहा जाता है कि कुछ लोगों को इस बात का एहसास हो जाता है कि उनकी मौत करीब है। 25 मई को सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना रिलीज किया था, द लास्ट राइड। गाने के बोल थे, चोबर दे चेहरे उते नूर दसदा, यदा उठूगा जवानी च जनाजा मिटिए। यानी कि जवान के चेहरे पर इतना नूर बता रहा है कि इसका जवानी में ही जनाजा उठेगा। महज 28 साल की उम्र में दुनिया भर में शोहरत पाने वाले सिद्धू मूसेवाला का भी जवानी में ही जनाजा उठता हुआ उनके फैंस ने देखा, वो भी गाना रिलीज होने के सिर्फ 4 दिन बाद। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।